हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ब्लड टेस्ट के बारे में। मैंने बहुत बार देखा है लोग एक दूसरे को एडवाइस देते हैं कि आप ये सप्लीमेंट आप लोगे तो आपका किडनी फेल हो जाएगा, आप ये सप्लीमेंट लोगे तो आपका लीवर में अफेक्ट होगा, आप ये सप्लीमेंट लोगे तो आपका हार्ट में अफेक्ट होगा, आप ये सप्लीमेंट लोगे तो आपका बॉडी फंक्शनिंग में अफेक्ट होगा। मतलब लोग अलग अलग बात करते हैं, लोग अलग अलग एडवाइस देते हैं एक दूसरे को। और ये जो लोग हैं जो बात करते हैं, ये कोई भी फिटनेस इंडस्ट्री या कोई भी डॉक्टर नहीं है, ये लोग कोई अलग फील्ड से होते हैं, इन लोग का कोई भी अलग जॉब होता है। मगर ये लोग वर्कआउट एवरी डे या वो लोग जिम आते हैं एवरी डे, और ये लोग एक दूसरे से ये लोग बिना नॉलेज का ये लोग डिस्कस करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, उस वीडियो से उनको पता चलता है या कोई वीडियोज़ में वो एडवाइस देता है कोई कि ये लेने से ऐसा होगा, ये लेने से वैसा होगा, तो वो लोग उस चीज़ को दिमाग में रख के और आगे वो लोग दूसरे को एडवाइस देते हैं। सीधी सी बात है, आपका बॉडी के बाहर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो मगर अंदर भी आप हेल्दी हो या हेल्दी नहीं हो, ये आपको ब्लड टेस्ट से पता चलता है। ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपके अंदर में जो भी बॉडी के पार्ट्स है अंदर के, वो आपका अच्छे से फंक्शनिंग कर रहा है या अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। ये एक दूसरे, कोई भी एक दूसरे आपके बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है। तो वो ब्लड टेस्ट होता है जो आपके अंदर के ऑर्गन्स जो फंक्शनिंग कर रहे हैं वो अच्छे से कर रहे या नहीं कर रहे, या कुछ भी आपके अंदर के बॉडी में कुछ भी आपकी खराबी है तो वो आपका ब्लड टेस्ट बताएंगे। ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, चाहे आप फिटनेस इंडस्ट्री में हो या नहीं हो, आप ड्रग यूज़ कर रहे हो या ड्रग यूज़ नहीं कर रहे हो, ब्लड टेस्ट सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, मैंने देखा है लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करते हैं अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट खरीदने में और अच्छे से अच्छे जिम को लगाने में, मगर वो एक छोटा सा अमाउंट एक्सपेंड नहीं करते हैं एक ब्लड टेस्ट कराने में। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता दूँ, आपका ब्लड केमिस्ट्री अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा सप्लीमेंट आप ले लो, चाहे आप कितना भी फैंसी रूटीन वर्कआउट प्लान बना लो, आपको रिजल्ट जीरो मिलेगा। एक बात आप समझ लो कि मान के चलो कि आपका ब्लड टेस्ट आपने कराया और आपका ब्लड टेस्ट नेगेटिव आया, थोड़ा सा नेगेटिव आया, मतलब डिसबैलेंस आया। तो ये जो डिसबैलेंस आपके ब्लड टेस्ट में निकले, ये आप डिसबैलेंस रिपोर्ट ले जाके डॉक्टर को दिखा सकते हो, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, आपको एडवाइस करेगा, आपको मेडिसिंस देगा कि ये डिसबैलेंस है, ये मेडिसिंस इतने टाइम तक रेगुलर लो, ये बैलेंस हो जाएगा। जब आप उस चीज़ को डिसबैलेंस को बैलेंस कर देते हो, उसके बाद आप अच्छा डाइट, अच्छा ट्रेनिंग और अच्छा सप्लीमेंट खाते हो तो आपको रिजल्ट और अच्छा मिलता है। ये जो ब्लड टेस्ट है, ये ब्लड टेस्ट साल में कम से कम आपको एक बार कराना चाहिए। जो फिटनेस इंडस्ट्री में जो ड्रग यूज़ करते हैं उनको साल में कम से कम दो बार ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। मैं आपको नीचे मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ब्लड टेस्ट में कराना चाहिए। अभी ब्लड टेस्ट आप जब कराते हो तो बहुत कुछ पता चलता है, जैसे हार्मोन लेवल पता चलता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल पता चलता है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल पता चलता है, और भी बहुत कुछ पता चलता है। तो आप ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे। तो आप टाइम टू टाइम ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपको आपका ब्लड टेस्ट आपको बताएगा कि आप कितना फिट है। आप हर एक साल, मान के चलो आप हर एक साल दो बार ब्लड टेस्ट करा रहे हो, तो आप दो से तीन साल मान के चलो आपने कराया ब्लड टेस्ट रेगुलर साल में दो बार, तो आपको दो साल पहले का ब्लड रिपोर्ट और अभी का ब्लड रिपोर्ट आपको ट्रैक हो जाएगा कि आप कितना फिट हो, आपका ब्लड टेस्ट दो साल पहले क्या था और अभी दो साल के बाद आपका ब्लड टेस्ट में आपका क्या रिपोर्ट निकला। तो आपको ट्रैक भी रहेगा कि आपका अंदर में जो भी ऑर्गन्स है या जो भी अंदर में आपके बॉडी के पार्ट्स है वो कैसे फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। डायग्नोसिस सेंटर या आपको हॉस्पिटल में आपको पैकेजेस मिलते हैं कि ये पैकेजेस लो, ये पॉइंट, ये आपका ब्लड टेस्ट है जो आपको ब्लड टेस्ट आपको इस पैकेज में मिल जाएगा। तो मैं जो पॉइंट आपको नीचे मेंशन करूँगा, ये पॉइंट्स आप उस पैकेज में देख लेना है या नहीं है। जो पैकेज में आपको सब पॉइंट आपको मिल जाएगा, वो पैकेज आप लेके ब्लड टेस्ट आप करा सकते हो कोई भी अच्छे डायग्नोसिस सेंटर या कोई भी हॉस्पिटल में। मेरा एक एडवाइस है कि एक ही डायग्नोसिस सेंटर से आप बार बार ब्लड टेस्ट कराएं, एक अच्छा डायग्नोसिस सेंटर आप पहले सर्च कर ले उसके, या हॉस्पिटल सर्च कर ले, उसके बाद वो ब्लड टेस्ट हर साल उसी डायग्नोसिस सेंटर या उसी हॉस्पिटल में रहे कराए। क्योंकि क्या होता है कि अलग अलग मशीनरीज होते हैं अलग अलग डायग्नोसिस सेंटर में, तो रिजल्ट वैरी करता है।
तो फिर आपको क्या होगा कि आपको दिक्कत होगा मैच करने में। इसीलिए आप एक ही जगह पे, आप एक ही डायग्नोसिस सेंटर या हॉस्पिटल में आप ब्लड टेस्ट कराएं टाइम टू टाइम। और ब्लड टेस्ट के साथ आप एक चीज़ और करा सकते हैं, मेरे तरफ से एक एडवाइस है आपको मैं देता हूँ कि आप हार्ट स्कैन जो हम लोग ECG बोलते हैं या 2D इको बोलते हैं, आप साल में आप एक बार ये भी आप करा ले तो बहुत अच्छा है। वैसे आपको ब्लड टेस्ट में ही आपको सारा कुछ पता चल जाता है, सारा ऑर्गन्स अंदर में या हार्ट का फंक्शनिंग सब कुछ पता चल जाता है ब्लड टेस्ट में, मगर एक ECG और 2D इको आप ऐसे रूटीन चेकअप में ब्लड टेस्ट में आप ऐड कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक और एडवाइस मैं आपको दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड टेस्ट आप फैमिली का भी और अपना भी टाइम टू टाइम सबका कराओ। ब्लड टेस्ट कराना सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिटनेस इंडस्ट्री में है या नहीं है। तो ये पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर ले, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है मगर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग जो भी आजकल कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हम लोग फूड्स खा रहे हैं, उसमें बहुत ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जो अपने बॉडी में को अफेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, अभी वो चीज़ आपको ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। कुछ कुछ जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं अपना स्लो पॉइजन्स टाइप होते हैं, मतलब आप एक बार लोगे तो आपको बॉडी में उतना अफेक्ट नहीं दिखाएगा उसका, दो बार लोगे तो उतना नहीं दिखाएगा, मगर बार बार आप लेते रहोगे तो वो पॉइजन जैसा वो काम करेगा। इसीलिए ब्लड टेस्ट आप टाइम टू टाइम आप कराते जाओगे तो आपको ट्रैक रहेगा आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और जो आज तक ब्लड टेस्ट नहीं कराए हैं वो आज से चालू हो जाए, वो कल के कल अपना एक ब्लड टेस्ट कराए, वो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट ले और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट वो सेव करके रखे, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में सेव करके रखे अच्छी जगह या हार्ड कॉपी में सेव करके रखे। फिर आप 6 मंथ के बाद फिर ब्लड टेस्ट कराएं, फिर उसका आप डाटा सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में रखें तो आपको सब कुछ ट्रैक होगा। ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी डिसबैलेंस निकलता है, आपको ऐसा लगता है कि अब ब्लड रिपोर्ट में कुछ डिसबैलेंस है, वैसे ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ कोड वर्ड्स में रहते हैं तो आपको कुछ ऐसा समझ में नहीं आएगा। ब्लड रिपोर्ट पहले आप निकालो, उसके बाद एक जनरल डॉक्टर के पास जाके वो ब्लड रिपोर्ट आप दिखाओ, वो जनरल डॉक्टर के पास आप जैसे ब्लड रिपोर्ट लेके जाएंगे वो आपको डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपका ब्लड रिपोर्ट ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप खुद ब्लड रिपोर्ट को समझने जाओगे तो बहुत ऐसा पॉइंट्स है जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वो चीज़ डॉक्टर ही समझ पाएंगे आपका ब्लड रिपोर्ट। तो पहले ब्लड रिपोर्ट अच्छे से आप निकालो और वो डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपको एडवाइस और सजेशन देंगे कि आपका ब्लड रिपोर्ट में कुछ कमी है या कुछ कमी नहीं है, क्या चीज़ अवॉइड करना है क्या अवॉइड नहीं करना है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टॉपिक में भी हम लोग कुछ अच्छे बात करेंगे और अच्छे कुछ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।